हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फूडीज बाय नेहा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑफिस लंच बॉक्स सीरीज़ की रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी की सब्ज़ी। जनरली गोभी, आलू, रसीला गोभी बहुत तरह से बनाते हैं। आज मैं आपके साथ एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके की गोभी की सब्ज़ी शेयर करूँगी, जिसे खा के ना उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, और अगर टिफ़िन में हस्बैंड को दे दिए तो भाई वो खुश हो जाएंगे और घर पर आकर आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी टिक्का मसाला। ये रेसिपी आपने सुनी नहीं होगी क्योंकि किसी ने नहीं बनाई है, ये मेरा खुद का क्रिएशन है। मैंने एक बार बनाई और बहुत ज़बरदस्त बन गई, तो फिर सोचा रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और साथ साथ ये फटाफट बन जाए इसलिए इसको कुकर में बनाएंगे, जिससे ऑफिस का लंच बॉक्स जल्दी से रेडी हो सके। सबसे पहले आपको लेने हैं आलू, और इसको आप अच्छे से पील कर लीजिए। यहाँ मैंने एक कच्चा आलू लिया है और इसको धो के मैं अच्छे से पहले पील कर लूँगी। तो इसके जो पीसेस हैं वो आपको मीडियम साइज़ के कट करना है, जैसे कि जनरली हम आलू गोभी का सब्ज़ी बनाते हैं ना, कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही। और अब मैं गोभी को कट करूँगी। तो गोभी के जो पीसेस हैं वो थोड़ा हम बड़े ही रखेंगे, क्योंकि गोभी जो है वो जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पे गोभी को कट कर लेंगे। यहाँ पे जो मैं गोभी यूज़ कर रही हूँ एकदम साफ़ है, लेकिन अगर आपको लगे कि गोभी आपका साफ़ नहीं है तो थोड़ा सा हल्दी के पानी में आपको एक या दो मिनट के लिए बॉईल कर लें, और उसके बाद ही आप गोभी को यूज़ करें। तो यहाँ मैं आलू और गोभी दोनों कट कर लिए हैं, और साथ साथ मैं थोड़ा सा फ्रेश जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का एक पेस्ट बनाऊँगी। क्योंकि आप जब भी कुछ ऐसे टिक्का मसाला कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं ग्रेवी वाली, अगर आप उसमें कूट के डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट की जगह आप उसको ऐसे कूट के डालते हैं ना, तो उसका फ्लेवर काफ़ी इन्हेंस होता है। अगर आप लहसुन पसंद नहीं करते तो आप कम्प्लीटली इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्रश कर लिया है जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च को, और चलिए अब हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बोल लिया है, थोड़ा सा कर्ड लिया है, और सबसे पहले मैं आलू और गोभी को डाल दूंगी एक बोल के अंदर, और अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालना है थिक कर्ड। तो यहाँ मैं 2 चम्मच जितना दही डाल रही हूँ। दही ध्यान रखें बहुत ज़्यादा खट्टा ना यूज़ करें, फ्रेश लें। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च को कुटा हुआ डाला है, थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है 1/2 चम्मच जितना, उसके साथ ही मैं डालूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 चम्मच जितना, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और कसूरी मेथी इस तरह से क्रश करके, और नमक डाल देंगे, और लास्ट में मैं डालूंगी 1 चम्मच जितना सरसों का तेल। ये बहुत ही अच्छा सा अरोमा देगा मैरिनेशन को। और अच्छे से हमें सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है, जिससे जो मैरिनेशन है वो आलू और गोभी दोनों पर लग जाए। ये देखिए मैरिनेशन रेडी हो गया। इसको हम साइड में रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, तब तक हम बाकी तैयारी करेंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैं चॉपर में डाली हूँ 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, और इसको हम इस तरह से बारीक कट कर लें आप, या इस तरह से आप उसको चॉप भी कर सकते हैं। अगर आप टिफ़िन में कुछ बहुत स्पेशल रखना चाहते हैं, कुछ हैवी ग्रेवी वाली सब्ज़ी और कम मेहनत के साथ कम समय में, तो ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो यहाँ मैंने लिया है कुकर, और इसको हम फ्लेम ऑन करेंगे, और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच जितना तेल। तो यहाँ मैंने नॉर्मल तेल का यूज़ किया है, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और जैसे जीरा चटकेगा हम डालेंगे बेसिक से खड़े मसाले, और मसालों को भून लेंगे स्लो फ्लेम पर। और इसमें मैं डालूँ थोड़ा सा हींग 1/4 चम्मच जितना, और इसमें हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ हमें प्याज को भूनना है स्लो फ्लेम पर, जब तक जो प्याज है वो गोल्डन नहीं हो जाती है। और यहाँ मैंने एक प्लेट में लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका इस तरीके से देखिए पेस्ट बना लूँगी। इससे क्या होता है, जो मसाला है वो जलता नहीं है और बहुत अच्छे से भूनता है। और यहाँ प्याज आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन हो गई है देखिए, और बस अभी इसमें हम जो घोले हुए मसाले थे वो डाल देंगे, और स्लो फ्लेम पर हम मसाले को भूनेंगे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए। दोस्तों आपने मेरी पहले भी रेसिपीज़ में देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करती हूँ सब्ज़ियों को बनाने के लिए, कि जब सब्ज़ी आप ग्रेवी वाली बनाएं तो उस पर तेल की लेयर हो, वो हेल्दी नहीं लगता मुझे, और मैं इस तरीके से नहीं बनाती हूँ। हम कम तेल में भी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भुना हुआ मसाला एकदम बढ़िया दिख रहा है, और बस इसी समय हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। आप ग्रेट करके डाल सकते हैं, कट करके भी डाल दें, और टमाटर को भी हमें बहुत अच्छे से भूनना है। उससे पहले पर मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, जिससे ग्रेवी में अच्छा सा नमक भी आ जाएगा
और जो टमाटर हैं वो जल्दी से गल जाएंगे। जब तक टमाटर पकेंगे तब तक मैं राइस को धो लूँगी। ये जो सब्ज़ी है दोस्तों ये थोड़ा ग्रेवी वाली बनेगी, इसलिए दाल बनाने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं बनाऊँगी जीरा राइस और पतले पराँठे। तो अगर आप राइस को थोड़ा 5 मिनट के लिए भिगो के रखते हैं ना तो सिर्फ जो राइस है वो खिला खिला बनता है और एक विसल में कुक भी हो जाता है। और इस कंप्लीट मील को बनाने में मुझे सिर्फ 30 मिनट्स लगे हैं। तो यहाँ मैं सब्ज़ी को भी बीच बीच में चलाती जा रही हूँ और राइस को भी धो लेते हैं। तो राइस यहाँ पर धो कर रख लिया है मैंने और मैं थोड़ा सा बारीक धनिया पत्ती कट करके रख लूँगी। और आइए अब हम टमाटर को चेक करते हैं। अब देख सकते हैं टमाटर जो है वो बहुत बड़े तरीके से पक गए हैं और जो हमने मैरिनेट की हुई सब्ज़ी थी वो उसके अंदर हम डाल देंगे। उसके साथ जो मैरिनेशन था वो भी डाल देंगे। नमक मैंने मैरिनेशन और ग्रेवी के मसाले में बनाए डाला हुआ था तो अभी मैं नहीं डाली हूँ। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मसाले को हमें 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। और फ्लेम को आप स्लो पे रखें। जब तक मसाला अच्छे से भून रहा है तब तक मैं यहाँ पराठे का आटा भी लगा रही हूँ। तो ये बिल्कुल प्लेन पराठे हैं, सिर्फ नमक डाल के आटा गूंथा है। और आटा भी मैंने यहाँ गूंथ लिया है। और चलिए एक बार सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं मसाला जो है बढ़िया से भून गया है। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ उतना ही पानी डालेंगे जितने में सब्ज़ी है वो डूब जाए। तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी और सब्ज़ी में उबाल भी आने लगा है। इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा ही नमक ऐड करूँगी क्योंकि हमने यहाँ पानी डाला हुआ है। और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसकी हमें सिर्फ 2 विसल लेनी है मीडियम हाई फ्लेम पर। तो जब तक कुकर की विसल आ जाएंगी तब तक हम जल्दी से पराठे बना लेंगे। तो एक साइड में बन रही है सब्ज़ी और राइस यहाँ बन चुका है मेरा, तो मैं साइड में रख दूँगी। और अब मैं बना रही हूँ पतले पराठे। तो ये जो पराठे हैं दोस्तों ये बहुत कम तेल में बनते हैं, तो अगर आपको रोटी खाने का मन नहीं है तो आप बिना गिल्ट के पराठे खा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल कम घी या तेल में बनाती हूँ मैं ये पराठे। और साथ साथ ये पराठे घंटों तक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, मतलब जैसे आपके फुलके सॉफ्ट रहते हैं ना बिल्कुल वैसे ये पराठे सॉफ्ट रहते हैं और एकदम पतले पतले बनते हैं। तो अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन कीजिएगा। तो एक पराठा मैंने बेल लिया है और इसको हम तवे पर डालेंगे। जब तक तवे का सीखेगा तब तक एक और झटपट से बेल लेंगे। अब थोड़ा सा सिक जाएगा पराठा तो उसको हम पलट देंगे। और ये रहे पराठे, तो यहाँ दोनों साइड सिक गया है तो उसमें मैं घी लगा रही थोड़ा सा और इसको हम सेकेंगे। तो बिल्कुल कम ही सेकना है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी इसको नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कर देते हैं तो फिर जो पराठे हैं वो कड़क हो जाते हैं, तो बिल्कुल कम ही इसको सेकना है। और इसको मैं सेकते समय जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम रखी हुई है। और देखिए बढ़िया सा हमारा एक पराठा बनके तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल पतले पतले पराठे बने हैं एकदम रोटी जैसे और बिल्कुल लेयर वाले बने हैं, देखिए है ना। तो अभी ये दूसरा भी पराठा मैं सेक लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत ही कम इसमें घी लगा रही हूँ। और ये दूसरा पराठा भी सेक के तैयार हो गया है। तो जब तक पराठे बने तब तक कुकर की विसल आ गई, वो कुकर भी ठंडा हो गया। और देखिए कितनी लाजवाब हमारी सब्ज़ी दिख रही है। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें इस स्टेज पे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सिर्फ 1 मिनट के लिए आप फ्लेम को ऑन कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए परफेक्ट ग्रेवी है ना, बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी है ना बहुत ज़्यादा सूखा सब्ज़ी। तो इस तरीके की सब्ज़ियाँ रहती हैं वो पराठे के साथ देने के लिए एकदम परफेक्ट रहती हैं। तो सब्ज़ी मैंने निकाल ली है और चलिए अब हम लंच बॉक्स को पैक करेंगे। तो लंच बॉक्स पैक करने के लिए मैं हमेशा फूड रैपिंग पेपर का यूज़ करती हूँ। और ये देखिए हमारे बहुत सॉफ्ट से पराठे जो हैं एकदम परफेक्टली कुक हैं और एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो इनको हम पैक कर लेंगे। और अब मैं रखूँगी जीरा राइस। तो ये देखिए बढ़िया सा हमारा जीरा राइस है बन के तैयार। ऐसे भी डायरेक्ट मैंने कुकर में ही बना लिया था। और अब हम डालेंगे गोभी टिक्का मसाला। आप देख सकते हैं एकदम लाजवाब सब्ज़ी दिख रही है। और इसके साथ ही मैं डालूंगी थोड़ा सा खीरा और इस खीरे पे मैं थोड़ा सा चाट मसाले को इस तरीके से स्प्रिंकल कर दूंगी।
और अभी मैंने फ्रेश अचार बनाया था आंवले और हरी मिर्च का, वो भी मैं डाल देती हूँ। तो अगर आपको इस अचार की भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस टिफ़िन बॉक्स को अब हम पैक कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। टिफ़िन हो गया यहाँ पैक और इसको मैं रखूँगी टिफ़िन बॉक्स के अंदर। अगर आज की रेसिपी और टिफ़िन लंच बॉक्स आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।